हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेट जो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आधार नंबर से अपना राशन कार्ड नंबर पता कर सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर एक वेबसाइट टैप करनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको यहाँ पर वेबसाइट टैप करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का राशन लिस्ट में नाम तो होता है लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं होता, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन उनका राशन दुकानदार उनको राशन कार्ड नंबर नहीं देता है, जिसे हम RC नंबर कहते हैं। वो RC नंबर इसलिए नहीं देता है कि उस RC नंबर से हम राशन कार्ड की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, जैसे कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से राशन कितना मिलता है, हमारा राशन दुकानदार हमको राशन कितना देता है, गवर्नमेंट तरफ से हमको राशन कितने रुपये किलो मिलता है और हमारा दुकानदार हमसे कितना पैसा लेता है, ये सारी डिटेल हम उस RC नंबर से निकाल सकते हैं। अगर आपको इस RC नंबर से राशन की डिटेल निकालनी है तो ऊपर आई बटन में मैंने आपको एक वीडियो की लिंक दी है, वहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि कैसे आप अपने RC नंबर से राशन कार्ड की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट तरफ से हमको राशन कितना मिलता है और हमारा राशन दुकानदार हमसे धोखाधड़ी तो नहीं करता है, हमको कितना राशन देता है और हमारे को कितना रुपये किलो राशन मिलता है और हमारा राशन दुकानदार हमसे कितने पैसे लेता है। और साथ ही मैंने ये भी दिखाया है कि आपको आपके राशन दुकानदार का दुकान नंबर और उसका नाम वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने आधार कार्ड से राशन कार्ड का नंबर कैसे निकाले उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, डू यू हैव राशन कार्ड और नो राशन कार्ड। तो हमें यहाँ पर नो राशन कार्ड पर क्लिक करना है। नो राशन कार्ड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में नाम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो पूरा नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। ईमेल आईडी आप चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको उस कैलेंडर से चुननी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चुनना है कि आप मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद ये कैप्चा फिल करके यहाँ पर वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। चलिए मैं अपने यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर देता हूँ। देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे चुननी है, ये देखिए मैं जैसा आप दिखा रहा हूँ वैसे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर चुनेंगे, मेल है या फीमेल, यहाँ पर मेल हम चुन लेते हैं। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर हमको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर हमको वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। जैसे हमने वेरीफाई आधार पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे आधार कार्ड ऑलरेडी एक्सीड फॉर अदर RC डिटेल्स एयर इस फॉलोवर डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पर हमारे ज़िले का नाम आ गया है परभनी। वैलिड नेम यहाँ पर जो हम गाँव में रहते उसका नाम आएगा, जैसे कि मैं परभनी से हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, ये हमारा राशन कार्ड नंबर है RC नंबर। देखिए यहाँ पर RC ID ये जो हमारा नंबर दिया है ये नंबर हमारा है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और